मैंने पहले ही बोला कि दो प्रकार के लाइटिंग सिस्टम होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार। सुबह बोला ना भाई, एक इनबिल्ट लाइट सिस्टम, यानी कोई प्रतिमा हो, कोई ऐसे पिलर हो, वो अगर ट्रांसपेरेंट हो तो उसके अंदर ही लाइट लगा दिया जाता है। जब लाइट डालते हैं तो अंदर से रोशनी देता, रेडियम रोशनी, लाइटिंग रोशनी। कुछ प्रतिमाएं अंदर से लाइट जलने के कारण पूरी प्रतिमा चमकती है कि नहीं? कुछ प्रतिमाओं पर ऊपर से लाइट डाल के उसको फोकस दिया जाता है कि नहीं? प्रकृति इतनी दयालु है, आप हर चीज को पा सको, न भूत भविष्य को जान सको। आपके अंदर भी इनबिल्ट सिस्टम दिया है, न बाहर से भी रोज फोकसिंग हो रहा है, आपको मालूम तक नहीं पड़ता ये कैसे है। इनबिल्ट सिस्टम क्या क्या है? देखिए आपके अंदर क्या क्या इनबिल्ट सिस्टम है। अभी देखो ये भैरव जी की मूर्ति फाइबर से बनी है, अगर इसको ट्रांसपेरेंट करते, अंदर लाइट लगा देते और लाइट जलाते तो पूरे भैरव जी अंदर से उजालेमय हो जाते कि नहीं? वो नहीं होने से हम बाहर से लाइट लगाए हुए हैं। इसमें ये विडंबना है, या तो अंदर से लाइट होगा या बाहर से। प्रकृति ने हमको दोनों तरफ से शक्ति दिया। इनबिल्ट क्या क्या शक्ति है आप में? इनबिल्ट क्या शक्ति है? आपको दर्द होता है, कहाँ से? बाहर से। अंदर से। कहाँ से दर्द होता है? अंदर से। बुखार आता है, कहाँ से आता है? अंदर से। ये दोनों इनबिल्ट सिग्नल है। बुखार बुखार नहीं है, दर्द दर्द नहीं है, दर्द आता है जहां पर भी वहां का कोई अंग शिथिल होने का सिग्नल दे रहा है आपको, वो इनबिल्ट प्राकृतिक सिस्टम है। बुखार आ रहा है तो बुखार नहीं आ रहा है, आपके अंगों में कोई जगह कोई विदेशी अणु घुस गया है अंदर, कोई विदर्मी अणु घुस गया है अंदर, उससे लड़ना शुरू कर दिया आपके शरीर के प्रतिनिरोधक शक्ति ने। जब ये शक्ति लड़ती है तो उससे इसके जो युद्ध होता है। सुबह मैंने सबको कहा जो साधना कक्ष में थे, हाथ रगड़िए। क्या कहा मैंने? क्या हुआ? हाँ, तो ये दो अंग जब जुड़ के रगड़ते हैं एक दूसरे को, तो नियम है कि फ्रिक्शन के कारण क्या होता है? E=mc2। ये विज्ञान को अगर जानोगे तो जहां भी घर्षण होगा वहां गर्मी होगी। विदर्मी अणु हमारे अंदर आता है ना, हमारी अणु उससे लड़ता है, तो दो हथेलियों के घर्षण की तरह अंदर से गर्मी आती है। वो बुखार नहीं है, हमारी शक्ति है जो उससे लड़ने जा रही है। ये हमारे अंदर इनबिल्ट है। क्या है? इनबिल्ट। दर्द इनबिल्ट है, कहीं भी दर्द आता है तो दर्द नहीं है, वो चेतना आपको जगा रही है कि यहाँ कोई गड़बड़ है, ध्यान दे, यहाँ कोई गड़बड़ है। भूख भूख नहीं है, आप लोग भूख है ऐसे समझ के भूख लगी, चलो आप लोगों में कहीं ऐसे नालायक है, भूख लगी चलो कचौरी जलेबी खा ले। हाँ, जब भी भूख लगता है शरीर इनबिल्ट सिग्नल देता है कि तेरे अंदर विटामिन मिनरल कैल्शियम पोटासियम आयरन मैग्नीशियम बॉडी एनर्जी की कमी हो रही है, उसको पूर्त करने लायक किसको? मैग्नीशियम को, पोटासियम को, कैल्शियम को, मिनरल को, मेटल्स को पूर्त करने लायक कोई चीज अंदर डाल जो तेरी बुद्धि को भी तीक्ष्ण कर सके, तेरे शरीर को भी शक्तिशाली कर सके, तेरे आत्मा को भी पवित्र रख सके। उसको पेट में डाले वही आदमी प्राकृतिक है। जो वस्तु आपकी बुद्धि को तीक्ष्ण करे, जो वस्तु आपके शरीर को शक्ति दे, जो वस्तु आपकी आत्मा को पवित्र रखे। आप क्या खाते हो? आप सोचो आप क्या खाते हो? आप पेट भरने खा रहे हो कि सिग्नल की पूर्ति कर रहे हो? आप बताओ, वो सिग्नल दे रही है कि कहीं कोई कमी है। जब भी आपको भूख लगता है, आप थक जाते हो, शरीर कहता है कि अब नई वीर्य की जरूरत है, नई शक्ति की जरूरत है। हम जो भोजन करते हैं पेट भरने नहीं खाते, शरीर के अंगों को चुस्त रखने के लिए खाते हैं। आप किस लिए खाते हो महाराज? किस लिए खाते हो? आज तक आपने जो भी किया पेट भरने खाना, इसलिए फिर आप मैगी भी खाओगे, पिज्जा भी खाओगे। ये जो पदार्थ पेट में चिपक जाते हैं आंतड़ियों में, आपको लिख के देता हूं, आप आंतड़ी टेस्ट कराना, 3-3 साल के पुराने मल आपके आंतड़ियों में फंसे हुए हैं।
क्या खाना ये विवेक नहीं होगा, उसकी आंतड़ियां कचरे से भरी होगी, तो फिर मल कैसे निकलता है? उसके फंसने के बाद भी थोड़ी जगह नालियों में बची रहती है जहाँ से कोई ना कोई चीज़ बाहर निकल रही है, लेकिन छः छः सात सात साल के पुराने कचरे आंतड़ियों में फंसी है, इसलिए आंख भारी लगता है, शरीर भारी लगता है, पैर दुखने लगता है। जिस दिन पेट साफ हो जाएगा उस दिन मन साफ हो जाएगा, जिस दिन मन साफ होगा उस दिन बुद्धि साफ होगी, जिस दिन बुद्धि साफ होगी उस दिन चित्त साफ होगा, और जिस दिन चित्त साफ होगा उस दिन आत्मा साफ होगी। वो आहार से ही शुरू होता है ये सफाई की क्रिया। जय गुरुदेव। ये सफाई की क्रिया आहार से शुरू होती है। कहाँ से? आहार से। आपके आहार का कोई चयन है आपके पास? जीभ मानता है उसको आप खाते हो। आपके लक्ष्य पूर्ति में आहार बहुत बड़ा मायना रखता है, क्योंकि आहार आपको सोचो कि ये तो कचौड़ी है, जलेबी है, समोसा है, बढ़िया स्वादिष्ट है, खा लो, लेकिन जैसे आहार लोगे राजसिक तामसिक सात्विक, वैसी आभा मंडल आपके शरीर के चारों तरफ बनेगा, और जैसी आभा मंडल बनेगी वैसे सुख या दुख धन या दरिद्रता को वो आभा मंडल खींचेगी। वो भोजन से ही शुरू होता है ये आभा मंडल। आप दरिद्र हो तो भोजन आपको दरिद्र भी कर सकता है, क्योंकि वो तामसिक आहार नेगेटिव ऑरा क्रिएट करता है। जहाँ नेगेटिव ऑरा चारों तरफ है, नेगेटिव चीजें जिंदगी में निरंतर आती रहेगी आपके पास। क्या आएगी? नेगेटिव चीजें। चाहते हो कि नेगेटिव आए? नहीं, लेकिन खाते तो नेगेटिव ही हो। इसमें कई लोग मांसाहारी भी होंगे, मैं उनको चलता फिरता मशान बोलता हूँ, जो भी मांसाहारी है। मैं कई बार कहता हूं कि मांसाहारी कौन, आप कई बार मैं उसका फर्क समझाता हूं। शाकाहारी कौन, मांसाहारी कौन? जिसके आंख लंबे लंबे हैं वो कोई भी प्राणी मांस नहीं खा सकता। दुनिया में कोई प्राणी जिसके आंख लंबे हो ना मांस खाता हो, बता दो, मैं आपको 1,000 करोड़ दूंगा। जिनके आंख गोल है वही मांस खाएंगे, शेर चीता सबके आंख गोल है जो मांसाहारी प्राणी है। हाथी के आंख लंबे, बैल के आंख लंबे, गाय के आंख लंबे, मनुष्य के आंख लंबे, ये शाकाहारी प्राणी है। शाकाहारी प्राणी। जय गुरुदेव। ऐसी प्राणी है शाकाहारी, जिनके आंख लंबे हैं वो मांस नहीं खा सकता, क्योंकि प्रकृति ने मांसाहारी का शरीर की रचना, शाकाहारी की शरीर की रचना बिल्कुल व्यवस्थित अलग अलग करके रखा है। अगर उसके बाद अगर आप मांसाहार खा रहे हो, तो जब तक धरती में मांसाहार रहेगा धरती में आतंकवादियों से खून बहता रहेगा, ये धरती रक्त सिंचित होती रहेगी मांसाहार के कारण, क्योंकि तामसिक वृत्ति कभी किसी को सुखी नहीं रहने देगी, वो हिंसा से दूसरों को दुखी करती रहेगी। आप एक ब्राह्मण लड़ते जा रहा है कहीं बता ही नहीं सकते हो। शाकाहारियों में जल्दी क्रांति करने की, जितनी क्रांतियां इस दुनिया में जितने झगड़े हुए सब मांसाहारियों से होते हैं। जर्मनी का आदमी लड़ रहा है, अरब का आदमी लड़ रहा है, मुसलमान लड़ रहे हैं। खाना ऐसा है जो किसी को मारने के लिए मन करता है। मांसाहारियों के नख तीक्ष्ण होते हैं। कैसे होते हैं? तीक्ष्ण। आप बोलोगे कि मैं भी लंबा कर लूं नख को तीक्ष्ण होगा? नहीं, आपके चपटे चौड़े नख हैं, उनके लंबे और तीक्ष्ण नख हैं। आप कितना भी इसको बढ़ा दो नख को, किसी की आंतड़ियों को नख से आप खरोद नहीं सकोगे, वो शेर ही कर सकेगा। जिनके नख तीक्ष्ण है वही वो कर सकेंगे। और जितने शाकाहारी प्राणी हैं उनकी आंतड़ियां बड़ी लंबी है। प्रकृति ने यह नियम दिया, शाकाहारी प्राणियों की आंतड़ियां लंबी लपेट के अंदर रखी हुई है। आपकी आंतड़ियों की तरह अंदर पूरा लपेट के, पाइप को आप लपेट के रख देते हो गार्डन में पानी पकड़ने के बाद, उसको गोल करके रख देते हो, ऐसे गोल करके रखा हुआ आंतड़ी है। शेर चीता जितने भी मांसाहारी प्राणी है सिर्फ 1.5 फुट की ही आंतड़ी है। प्रकृति सोचती है ये मांस का टुकड़ा खाएंगे, अगर कब्ज हो गया निकला नहीं तो अंदर ही जहर बन के इनको मार देगा, इसलिए प्रकृति ने मांसाहारी प्राणियों की आंतड़ियां छोटी दी है। और आपकी आंतड़ियां लंबी चौड़ी है तो आपको शाकाहार का ही आहार करना चाहिए। सत्य वचन सत्य वचन। आहार से क्या पड़ा है महाराज? क्या आहार कुछ कर सकता है? मैं कुछ भी खाता हूं महाराज, एक तो हमारा खाने का कोई टाइम नहीं है, है कि नहीं? कभी भी मन करे तब खाएं,
ये पैसा कैसे आया ये भी हमको चिंता नहीं, कैसे भी पैसा आना चाहिए बस। मंदिरों में अभी हमारे यहाँ भंडार खोलते हैं, यानी हुंडियाँ हैं ना मंदिर में, आप देखे होंगे हमारे यहाँ हुंडी रखी हुई है, ये खोलते हैं तो विचित्र विचित्र नोट उसमें देखने में आते हैं। कभी कभी मैनेजर साहब सागरमल जी मुझे बताने के लिए वो ला के बताते हैं, देखो महाराज ऐसे ऐसे नोट डाल के गए लोग, ऐसे नोट एक आधा पाँच रुपये का, कितना पाँच रुपये का आधा नोट, दस रुपये का आधा नोट, ये दोनों को जोड़ के बीच में टेप मार दिया, उसको भंडार में डाल के जाता है। कोई दो टुकड़े मिले होंगे कचरे, उसको डालना। अभी भगवान ने बोला क्या, तू नोट डाल मेरे पास आके। तो जो भगवान कोई दगा दे, जितना स्वार्थ अगर संसार में आ गया हो, उस संसार को कौन बचा सकता है, उस संसार को कौन बचा सकता है। हाँ, जले हुए फटे हुए, जिस दिन मोदी जी ने 1500 बंद किए ना, उसके बाद मंदिरों में बहुत 1500 के नोट आने लगे, यानी जहाँ कहीं भी नहीं चले उसको भगवान के चरण में डाल दो, वो भुगतेंगे, वो फंसेंगे, अपने को क्या पड़ा। तो भगवान को क्या फंसाता है मूर्ख, उनके चरण में तो खाली हाथ भी जाएगा, दिल साफ रखेगा तो इतना काफी है आशीर्वाद लेने के लिए, कोई नोटों की जरूरत नहीं पड़ती। गीता प्रेस का कल्याण मासिक पत्रिका कोई मंगाते हैं क्या अपने घर में, गोरखपुर का कल्याण मासिक किसी के घर में आता है क्या? आपको निवेदन करूंगा, 10 रुपये का पुस्तक है, 10 रुपये का पुस्तक, महीने में 10 रुपये का खर्चा, 120 रुपया महीने साल में अपने बच्चों के संस्कार के लिए, घर गृहस्थी में शांति के लिए दे नहीं सकते क्या? तो वो कल्याण मासिक पत्रिका मंगा के पढ़ो, उसमें संतों के अनुभव, कई चरित्र की बातें बताई जाती है, भगवान की महिमा, बहुत सारे अच्छे मंत्रों के बारे में, अनुभवों के बारे में। सिर्फ 10 रुपये में वो पुस्तक, विथ पोस्ट एक्सपेंसेस 10 रुपये में घर ढूंढ के आती है वो पुस्तक। आज गोरखपुर की गीता प्रेस ने जितने भारत में सनातन धर्म के प्रचार में सहयोग किया है, शायद ही कोई दूसरी संस्था ने की होगी। इतनी बड़ी बड़ी पुस्तक 100 रुपये में बेचते हैं, जो बाजार में 3000-4000 में बिकती है, उसको 100 रुपये में बेचते हैं। हमको पुस्तक पढ़ने की अब आदत नहीं रही, हम व्हाट्सएप पे चलते हैं, व्हाट्सएप पे आने वाले संदेशों में अधिकतर 90% जितने संदेश हैं झूठे होते हैं। प्रमाणिक होना चाहिए ज्ञान भी, कोई भी आजकल यूट्यूब में ज्ञान बोलने लग गया है, जिसको लाठी मिली वही भैंस चरा रहा है, जिसको लाठी मिली वही गाय चरा रहा है, लेकिन आप देखोगे कि इनके मुंह से मंत्र तक शुद्ध नहीं आता। ये एक मंत्र डाल के बोलता है कि रातों रात करोड़पति बनना हो तो ये मंत्र बोलो, खुद ही रोड़पति है। इसको यूट्यूब चलाने की नौबत आई, जरूर रोडपति होगा तभी तो नौबत आई, करोड़पति को यूट्यूब चलाएगा तो ही रोडपति, तू दूसरों को करोड़पति बनाने का मंत्र दे रहा है। इस गीता प्रेस के कल्याण मासिक में एक प्रसंग मैंने पढ़ा था, जो सत्य घटना के रूप में लिखा था उसमें, उसमें वो बताते हैं एक संत के, वो बहुत बड़े साधक थे ऋषिकेश में, कहां पर, ऋषिकेश में बहुत बड़े साधक थे, और गायत्री की साधना करते, गुरु से दीक्षा लेके, गुरु कोई दूसरी जगह बहुत दूर रहते थे, कहाँ रहते थे, दूर रहते, बहुत दूर रहते थे, उनसे दीक्षा ली, दीक्षा लेकर के गायत्री मंत्र की साधना करते। साधना, गुरु मंत्र, ये दोनों प्रभावी है, दोनों आंख और पैर की तरह है, गुरु मंत्र मिल गया आंख मिल गया, लेकिन साधना रूपी पैर से आपको थोड़ा सा चलना पड़ेगा। आंक मिल गया इसलिए बैठे रहोगे तो पहुंच पाओगे क्या, लेकिन चलोगे ना, आंक नहीं हो तो कई खड्डे में गिर सकते हो ना, तो गुरु मंत्र आंक है तो हमारा नित्य अभ्यास उसको चलाने वाला पैर है, दोनों होना चाहिए। मैंने गुरु मंत्र ले लिया भाई, रख लिया गुरु मंत्र, रखने से चलता नहीं है, चलाने से चलता। तो इन्होंने खूब अभ्यास किया, अभ्यास का परिणाम गुरु मंत्र का ये हुआ कि उनकी कूटस्थ भ्रुकुटी के मध्य में एक प्रकाश प्रकट होके भगवती दिखने लगी। क्या हुआ, इसीलिए तो साधना करते हैं, दर्शन तेरे सुतकारी रे, तेरी महिमा जग में भारी रे, तू सभी का है हितकारी, दर्शन तेरे सुतकारी रे, तीन लोक
में तीरथ नहीं है कृष्णगिरी के जैसा, तीन लोक में तीरथ नहीं है कृष्णगिरी के जैसा, वनपति पर वैमानिक भी करते इसकी पूजा, वनपति पर वैमानिक भी करते इसकी पूजा, सब संतारी रे पाए शिव पद सुखकारी रे, तू सभी का है हितकारी, हर सब तेरे सुखकारी रे। जिस वस्तु का दर्शन करते हैं ना वैसी शक्ति प्रवेश करती है हम में, समझो। जवान लड़के 25-30 साल तक के, 30 साल के उम्र के नीचे वाले कौन कौन बैठे हो, हाथ ऊंचा करो। 30 साल के नीचे वाले, अब आपको पूछूं कि कोई यूं अश्लील कपड़ा पहनी हुई स्त्री का चित्र देखना पड़ा आपको, तो आपको भक्ति जगेगी का विकार जगेगा? बच्चों बोलो बोलो जोर से। बहुत सरल है आज समझा रहा हूं, आप क्या देख रहे हो इसको ध्यान में रखोगे तो क्या पा रहे हो ये स्वयं ही निर्धारित हो जाएगा, उसको कुछ करना नहीं पड़ेगा। आप क्या देख रहे हो, आंख सभी चीजों का प्रवेश द्वार है, वहीं से सब चीजें आती है, ये आंख प्रवेश द्वार है। क्या देख रहे हो ध्यान रखो, इसीलिए गांधी जी ने 3 बंदर रखे। बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। 3 बंदर वाली बात आपने सुनी होगी, हाँ। उन 3 बंदरों को जीवन में उतार लोगे तो दुख रूपी बंदर आपके सिर पर चढ़ के कभी नहीं नाचेगा। स्वामी जी के जब से माँ दर्शन कर देने लगी, कौन दर्शन देने लगी? माँ दर्शन देने लगी कुटस्थ में प्रकाश। जब भी आप उस प्रकाश में जाओगे, कोई ध्यान करने वाले हों तो मालूम पड़ेगा उनको, नीले प्रकाश में पीले प्रकाश, पीले में श्वेत प्रकाश, श्वेत प्रकाश में इष्ट दर्शन, साधना की सबसे बड़ी सिद्धि यही है। अब इनको दर्शन हो रहा था, कोई जाने जिसने ईश्वर को पाया हो। आप सुअर को बोलो कि हलवा खाओ तो सुअर क्या कहेगा? लक्ष्मी बड़ी परेशान हो गई धरती में सुअरों को देख के, बेचारे विष्टा खाते हैं, प्रभु आप वैकुंठ में मजा लेते हो और आप कहते हो कि सब हमारी सृष्टि है तो इसको भी आनंद लेना चाहिए, इन सबको मैं वैकुंठ में लाऊं क्या? कौन पूछती है? लक्ष्मी पूछती है उनको, वैकुंठ में लाऊं? विष्णु कहते हैं कि ये उसी लायक की सृष्टि है, उसी में आनंद लेंगे, इनको सुगंध में एलर्जी हो जाएगी, क्या होगा? उनको भाई रहने दो, लक्ष्मी के मैं माँ हूं, मेरी दया मुझे छोड़ती नहीं, मैं इन सुअरों को लेके आऊंगी। सुअरों के टोले के पास जाके लक्ष्मी बोली, चलो बेटों चलो वैकुंठ चलो। सुअर पूछा, वैकुंठ क्या होता है? अरे वैकुंठ नहीं जानते हो, अभी सुअर क्या वैकुंठ जाने, लक्ष्मी को दया आई है इसलिए पहुंची वहां। लक्ष्मी कहे कि वैकुंठ जहां क्षीर सागर होता है, क्या होता है? क्षीर सागर। क्षीर सागर क्या होता है? दूध ही दूध होता है, भरा होता है दूध, और इतना मीठा होता है कि करोड़ गुना शक्कर डाले तो जो मिठास नहीं आती उससे मीठा होता है वो क्षीर सागर। उस पर आदि शेष पर शयन करे वो मेरे नाथ, कौन? नारायण। तो सुअर बोलता है, दूध? अरे बाबा ना, दूध के पास जाएंगे तो हमारा जी घबराएगा, मूत का सागर है क्या? बोलो वहां हम आएंगे। कहाँ आएंगे? मूत का सागर हो तो माँ हम आएंगे। माँ खाने क्या मिलता है? माँ जी कहने क्या मिला? खाने हर फल मिलेगा, आम अमरूद अंगूर अनानास फनस अनार केला सेब पपीता चीकू संतरा मौसम्बी, क्या क्या चाहिए सब मिलेगा। अरे मल विष्टा नहीं है तो फिर काई का वैकुंठ, कौन बोलता है? सुअर। आपकी जीवन में आपके चित्त किस को चयन करता है इससे आप मनुष्य रूप में भी क्या प्राणी हो यह मालूम पड़ जाता है। ईश्वर और ईश्वर की भक्ति आपके दिमाग में दौड़ रही है तो मनुष्य मनुष्य है, सफल हो गया है। बाकी कुछ भी हो तो यह अजीब प्राणी मनुष्य रूप में आया हुआ है, कौन है? अबे लक्ष्मी क्या इनको वैकुंठ ले जाएगी? सुअर कहते हैं कि मल का नाश्ता न मूत्र का सागर हो तो हम आएंगे। महाराज जी जो साधना करते थे, इनकी भ्रुकुटी में जो भगवत दर्शन होता था
एक दिन सुबह 5 बजे बैठे, कितने बजे? 5 बजे। 5 बजे बैठ के ध्यान साधना करने लगे और जैसे ही बैठते थे जो प्रकाश होनी थी प्रकाश हुआ नहीं। आपकी गटरी गायब हो जाए तो आप क्या करोगे? हाँ, साधक के लिए सिद्धि की गटरी संसार की धन की गटरी से लाखों गुना बहुत बड़ा चीज होता है। उनको प्रकाश प्रकट नहीं हुआ तो घबरा गए, आंख को मूंद के और जोर लगा रहे, जैसे आप लोग टट्टी जाने के लिए फोर्स करते हो ना कभी कभी कब्ज हो जाए तो। साधक भी साधना का फोर्स लगाता है, फोर्स लगाए कुछ भी करे अंधेरा ही अंधेरा। भगवती दिखना तो दूर, श्वेत दर्शन होना तो दूर, पीत दर्शन होना तो दूर, नील दर्शन होना तो दूर, बिंदु भी प्रकट नहीं हुआ। ये बात आप नहीं समझ सकोगे, योगी लोग समझते हैं कि कूटस्थ में नील पीत श्वेत दिव्य दर्शन कैसे होते हैं। बड़े मुश्किल से वो घबरा के उठ गए, पसीना पसीना हो गया। माँ क्या हुआ मेरे से, क्या टूटी हुई, अब तू क्यों मुझसे दूर हो गई? उसी समय सहन नहीं कर सके, गुरु जहाँ थे उस गांव दौड़े, गुरु के चरण में पड़ के रोए कि गुरुदेव सिद्धि चली गई, मेरा क्या गया, सिद्धि चली, मेरी सिद्धि खत्म हो चुकी गुरुदेव, अब नहीं दिख रही है माँ। सीधे गुरु ने पूछा, कल परसों कई बार आहार किया क्या? क्या पूछा? बाहर कई बार आहार किया क्या? हाँ गुरुदेव, कल भंडारा था ऋषिकेश में, संतों का भंडारा, सब संत जा रहे थे। मुझे बोले सब जा रहे हैं, बाबा आना तू भी आ, तो मैं भी गया, क्योंकि वो संतारा ही वो भंडारा ही संतों के लिए ही बनाया था, तो हम सब संतों के भंडारे में गए थे। वो भंडारा किस निमित्त किसने दिया ये पूछ के आबाद में आना मेरे पास। उसी समय वो दौड़े ऋषिकेश, ऋषिकेश जाके तलाश कर रहे हैं। वो आदमी तो कई बार से आके ऋषिकेश में भंडारा कराया था, वो कहीं कहीं ढूंढे कुछ पता नहीं चला, फिर सोचा कि किराना तो बाहर से नहीं लाया होगा, यहीं से कहीं से खरीदा होगा। किरानों के दुकान में तपास की कि ये भंडारा जो हुआ संतों का कल ये किसके हाथ से क्यों हुआ, फिर मालूम पड़ा कि बाहर से आया हुआ ये एक व्यक्ति यूपी से, ये सत्य घटना सुना रहा हूँ आपको, कहानी नहीं है, सत्य में हुआ, निज में हुआ ये घटना है। यूपी से आया हुआ एक व्यक्ति अपनी बड़ी जवान बेटी को किसी को पैसे में बेच दिया, बेचने के बाद उसके मन में लगा कि ये बेचा हुआ पैसा कहीं मुझे नुकसान न करे, इसलिए उसके दशांश 10% दान करके इस पैसे को शुद्ध कर लूंगा। ऐसे मिथ्या भाव से वो वहां ऋषिकेश में पहुंच के भंडारा किया। वो भंडारा जो किसी को बेच के मिले हुए पैसे से किया गया, उस भंडारे की 2 रोटी खाते ही साधु महाराज की 36 साल की साधना नष्ट हो गई। फिर वापस वो गए गुरु के पास, गुरु ने कहा 1 लाख गायत्री का प्रायश्चित करो। कितने? 1 लाख। ये पूरा कल्याण मासिक पत्रिका में विवरण के साथ छपा है कि 1 लाख गायत्री का प्रायश्चित पुरस्करण करो। नित्य जाप अलग होता है, साधना जाप अलग होता है। आप साधना करते हो, आप लोग क्या करते हो, देखो आपको एक गलती बताता हूँ, आप कोई भी मंत्र उठा के नमः शिवाय करते करते बहनों को पुत्र नहीं हुआ तो नमः शिवाय कर करके पेट मल के देखती है, मैं क्या कर रही है, नहीं बच्चा हो रहा है क्या, देख रही हूँ। ये मंत्रों की जितनी संख्या बताई है उतना करो जब तक उससे कोई परिणाम की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, वो उसकी सिद्धि के लिए की जाने वाली जप है। आप जप चालू करते ही 2 माला 3 माले में अब आज क्या हो रहा है, मेरे धंधा बढ़ रहा है कि नहीं, ऐसे सब आप सोचते हो कि नहीं। वो मंत्र जो कल मैंने दिया 12 गिनने के लिए, वो पहले ही मैंने सिद्ध करके दिया, इसलिए उसको कोई संख्या करने की जरूरत नहीं। लेकिन कोई भी मंत्र लोगे, वो मंत्र में कितने अक्षर है, उतने लाख जाप करने के बाद प्रयोग में जब समझो के पंचाक्षरी मंत्र है नमः शिवाय, 5 लाख जाप कर लिए, अब 5 लाख करने के बाद आपको दंगों में कमी आ रही है, शरीर में रोग आ रहा है, तो आप जल हाथ में लेके मम द्वारा कृत पंच लक्ष्य जप परिपूर्ण फल प्राप्ति द्वारा रोग निवारणार्थम अष्टोत्तर शतसंख्या जपम करिष्ये, ऐसे बोल के मैंने जो इसको सिद्ध किया है, ये सिद्धि के द्वारा प्राप्त फल को प्राप्त करने के लिए अब मैं रोग निवारण के लिए 108 बार इस मंत्र को बोलता हूँ। अब आप 108 बार बोलते ही रोग निवृत्त हो जाएगा, क्योंकि आपने मंत्र पहले सिद्ध करके रखा है।
समझ रहे हो ना, आप जब फेरते समय ही चालू कर दोगे कि अब पेट फूल रहा है क्या, अब गल्ला बढ़ रहा है क्या, अब घर में हो रहा है क्या, धन की वर्षा होगी नहीं, पहले किसी भी मंत्र को उसकी संख्या में सिद्ध करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, आप सब सिद्ध कर लिए? कभी मौका पड़ा जिंदगी में, मेरे को तो लगता नहीं कि कोई नियम से रोज जाप करते होंगे आप में, लेकिन कभी किया भी है तो वो भी राम भरोसे, या तो एक्सप्रेस की तरह चलेगा या तो उबासी और नींद आएगा। हाँ, तो मंत्रों को संख्या से पहले सिद्ध करके काम में प्रयोग करना चाहिए। प्रयोग तभी होगा जब मंत्र सिद्ध हो गया हो। इसीलिए शास्त्रों में सत्संग की महिमा बताई है, जिन मंत्रों को हम फेर नहीं सकते, जिन पूजा को हम नहीं कर सकते, वो गुरु की दृष्टि से फल प्राप्त करके चले जाते हैं हम लोग। इतनी फायदा सत्संग से होता है, संत कृपा से होता है, जो हम नहीं कर सकते। तो उन्होंने 1,00,000 गायत्री का प्रायश्चित किया, वापस वो प्रकट हुआ। आपको हाथ जोड़ के कहता हूं, दुनिया के चकाचौंध में मत जाना, इसमें नहीं जाना है दुनिया के चकाचौंध। आज पूरी औरतें जिनके बच्चे 10, 12 साल, 15 साल के हैं, वो माएं कौन कौन है वो हाथ उठाओ। 10 या 12 या 15 साल की बच्चे बच्चियां हैं जिनके, आपको हाथ जोड़ता हूं, दुनिया देख के अपने बच्चों पर जोर मत डालिए। दुनिया नहीं, आप वही करते हो। हाँ बेटी सुरभि वही करती है, मेरे सामने तू लाख हूं कर, उन बच्चों को पढ़ो पहले पूरा पढ़ो, पहले बराबर पढ़ो। कलेक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है, पायलट बनाना है, आईपीएस बनाना है, आईएएस बनाना है, इतना ही है कि उसको इंसान नहीं बनाना है, ताकि इनको वृद्धाश्रम में डालें भविष्य में। अदानी और अंबानी के पास कोई भी पढ़ाई नहीं है, ध्यान रखना। इस दुनिया के सबसे बड़े पैसे वाले 5 हैं, 1, 2, 3, 4, 5, पांचों 10वीं से ज्यादा नहीं पढ़े हुए हैं। पढ़ाई समृद्धि का कारण नहीं है। जितने बड़े बड़े अहमदाबाद में IMS में IIT में जो पढ़ते हैं, ये सबको रिलायंस की कंपनी वहां जाके खड़े होके उनकी पढ़ाई पूरी होने के पहले ही इंटरव्यू लेके उनको अपने कंपनियों में ज्वाइन करती है। ये बच्चा अभी पढ़ रहा है IIT अहमदाबाद में, IMS में पढ़ रहा है, अभी पढ़ाई पूरी नहीं की। रिलायंस का अंबानी पहले ही अपने मैनेजर नौकरों को भेजता है कि अच्छे पढ़े हुओं को लाओ, मेरे नौकर बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? नौकर बनाऊंगा। अच्छे पढ़े हुए नौकर बनेंगे, अच्छे बुद्धि वाले मालिक बनेंगे। पढ़ाई और बुद्धि में बहुत फर्क। बोले सद्गुरुदेव की। हाँ मैं पढ़ू, किनको पढ़ना चाहिए? मेरा बाप रिक्शा चलाता है, मेरा बाप बस स्टैंड में कूली वाला है। जा बेटा तू पढ़, क्योंकि तेरे बाप से तुझे ऊंचा उठना जरूरी है। और वो रिक्शा वाला क्या तुझे हाथ पकड़ पाएगा, वो बस स्टैंड का कूली वाला क्या हाथ पकड़ पाएगा? उनके बेटे आज कलेक्टर बन रहे हैं, उनको पढ़ना चाहिए। किनको पढ़ना चाहिए? आपके बेटे खाली, आपके बेटों को अनपढ़ रखो ऐसे मैं नहीं कह रहा हूँ, आप मेरी बात का फर्क समझो। पढ़ाई अगर थाली है तो संस्कार और जीवन जीने की कला उसमें भोजन है। खाली थाली रखोगे तो वो कोरा कागज बन के भविष्य में खुद भी बर्बाद होगा, अनेक नशे की वस्तुओं में दुनिया भर के एंटरटेन में पड़ा रहेगा। माँ बाप की इज्जत क्या होती है माँ जान नहीं पाएगा। जिन माँ बापों ने अपने बच्चों को पढ़ाई 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 24 घंटा धक्का मारा, वो पढ़ के तो आगे निकल जाएगा, आप अकेले बुढ़ापे में रोते रोते आगे निकलोगे, दोनों में यही हालत होने वाला। ये कोई मायना नहीं है कि आपका बेटा पढ़ लेगा तो बड़ा होगा। बड़े होने के लिए बहुत सारी बातें हैं। मैं देखता हूं कि आज इंडिया से मैंगो पल्प, गुआवा पल्प, सीता पल्प, ये पल्प बार नहीं बनते हैं, यानी रस, आम का रस, टोमेटो का रस, बार टोमेटो हर जगह नहीं है। अमेरिका से टोमेटो, मिर्च और टोमेटो 100 वर्ष पहले अमेरिका से इंडिया में आए। 100 वर्ष पहले टमाटर था ही नहीं भारत में, 100 वर्ष पहले मिर्च था ही नहीं, मिर्च और टमाटर दोनों अमेरिका से आए हुए हैं। तो अधिकतर देशों में टमाटर मिर्च नहीं होते। आप सुनते हैं चिल्ली सॉस, सुनते हैं ना चिल्ली सॉस? चिल्ली सॉस आप कुछ भी नहीं पढ़ी हो ना बेटियां, अगर चिल्ली सॉस को केमिकल डाल के प्रिजर्व करने की तरीका जान लोगी,
कोई भी अरब कंट्री में एक्सपोर्ट करने, आज एक्सपोर्ट की मोदी जी की सरकार में इतनी सरल हो गई है नियमें, कोई भी आदमी चीजों को आयात कर सकता है, इतनी सरल हो गई। आप बोलो कि मेरे बेटा एमबीए पढ़े, मेरा बेटा आईएएस पढ़े, आईपीएस पढ़े, घूस लें, अगर घूस लें कलेक्टर, उसके अलावा पगार लें तो 1.5 लाख से ज्यादा कलेक्टर का पगार नहीं है। और अगर आप आम रस बना के प्रजर्व करते हो, चीताफल की, सीताफल आता है ना, सीताफल की रस, टमाटर का पल्प, चिल्ली सॉस, यहाँ कृष्णगिरी में मैंगो हब है, ये आम का बहुत बड़ा ये मार्केट है हमारा, यहाँ ऐसी फैक्ट्रियाँ लगती है जो एकदम यू अनपढ़ लोग मिनिमम 300 से 600 करोड़ रुपए का पर साल टर्नओवर करते हैं इस गांव में। तो तरीके होते हैं पैसे कमाने की, पढ़ाई मात्र तरीका नहीं, पढ़ाई भी एक तरीका है मैं मानता हूँ, लेकिन उनको मार मार के उनको संवेदना शून्य बना दोगे, उनकी कोई संवेदना ही नहीं बचेगी जिंदगी के बारे में, रिश्तों के बारे में, बुआ भतीजा मामा मामी फूफा फूफी कौन होते हैं, काका काकी कौन होते हैं, दुनिया कौन होती है, पढ़ाई के सिवाय जिसको कुछ नहीं दिखता है भविष्य में वो डिप्रेशन में जाएगा, स्ट्रेस में जाएगा, दुनिया की कोई इज्जत नहीं करेगा, मनमानी जिंदगी जिएगा, सिटियों में जाके आज के युवाओं की जिंदगी देखो वो कैसे फिरता है, वो कैसे कुछ करता है, उसको किसी की इज्जत नहीं दिखती, ना बड़ों की ना छोटों की, इसमें देन आप माओं की है। अगर वो बच्चा ऐसे नालायक बन के फटा हुआ जीन्स पहन के दुनिया में ऐसे घूम के हाथ में भूंगला पकड़ के घूम रहा है तो उस बेटे की दोष नहीं है, उन माओं की दोष है जो उसको पकड़ पकड़ के पढ़ने की जबरदस्ती करती है। पढ़ाओ अपने बेटे को, कोई मनाही नहीं है, उस पढ़ाई में संस्कार और योग्यता को भी एक शिक्षा के रूप में रखो, तब पढ़ाई सार्थक हो कर सार्थक। जय जय गुरु जी, सत्य वचन भगवान, सत्य वचन। पढ़ना मेरे बेटे को पढ़ना, दुनिया देखा देखी है, दुनिया की देखा देखी है, कोई भी कपड़ा भी पहनते हैं, बरमूडा पहनना किससे सीखा, पड़ोसी को देख के, हम तो धोती पहन के पैंट पहन के भी कंफर्टेबल थे के नहीं, लेकिन हम अनकंफर्टेबल लग रहे हैं, ये हमारे से नहीं लग रहे हैं, किसी को देखने के बाद महसूस होता है। साड़ी पहन के ठीक ही थी, चूड़ीदार पहन के ठीक ही थी, लेकिन अब नाइटी पहन के कंफर्टेबल लग रहा है, क्यों लग रहा है, क्योंकि अपने में तो कंफर्टेबल थे ही हम, साड़ी में न चूड़ीदार में, पड़ोसी को देखा तब आंख में घुस गया। इसलिए कहता हूं कि आंख आपके जीवन में चरित्र का प्रवेश द्वार है, सफलता का प्रवेश द्वार है, क्या देखते हो इसका भी विवेक रखो। पड़ोसी बहुत कुछ घुसा देते हैं आप में, दुनिया बहुत कुछ घुसा देता है आप में, आजकल एड ऐसे ऐसे आते हैं, मैं देखा एक के घर में जाके हेलमेट रखे हुए थे, हेलमेट पहनते ना हेलमेट जी, मुझे मालूम है कि इसके घर में टू व्हीलर ही नहीं है, जब टू व्हीलर नहीं हो तो हेलमेट का कोई काम है क्या, बताओ नहीं। तो मैंने पूछा कि भाई तेरे घर में टू व्हीलर है नहीं तो तू हेलमेट का ही रखा है, बोले दिल्ली गया था महाराज, सच्ची घटना बता रहा हूँ, दिल्ली गया था महाराज, चांदनी चौक गया, हेलमेट सस्ता बिकता था, मैं कहीं इतना सस्ता है तो मैं भी एक लेके रख लूँ, इसलिए रख लिया। अरे नाले तेरे घर में जब टू व्हीलर नहीं है तो फोगट में दे तो भी तेरे को ये चीज की क्या जरूरत है, कोई फोगट भी दे दे। आपके घर में कई चीज ऐसे हैं जो आकर्षण से अट्रैक्शन से सस्ता मिल रहा है इसलिए, और दुनिया के देखा देखी में उसके घर में ये है, मेरे घर में नहीं हो तो मेरी क्या इज्जत रहेगी, इसके घर में ये है मेरे घर में नहीं रहागा तो क्या इज्जत रहेगी, मेरे जीवन में मुझे ये इज्जत बगैर जीना कैसे संभव होगा। आपके घर को मैं बताऊं तो कुछ थाली कुछ स्पून कुछ भगोने कुछ तवा कुछ तबेली कुछ चूल्हे कुछ टेबल कुछ कुर्सी कुछ कपड़े से आपका जिंदगी चल सकता है, लेकिन पूरा घर कचरे से भरा है क्योंकि ये आंख प्रवेश द्वार बन के दिन ब दिन स्वार्थ करके कुछ न कुछ चीज लाने के चक्कर में कुछ न कुछ भरने के चक्कर में वॉशिंग मशीन कितने ही के घर में हफ्ते में एक बार भी नहीं चलता, तीन लोग घर में रहते हैं इतने बड़ा वॉशिंग मशीन लाया हफ्ते में एक बार धोते हैं, हाथ में धो लेती। इसी औरत को जब डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर कहता है कि बहन आपका कोलेस्ट्रॉल थायराइड बढ़ गया चर्बी बढ़ गया अब आपको झाड़ू मारना चाहिए कपड़ा धोना चाहिए, सीधी धो लेती तो ये लाके परेशान क्यों होती ना बीमार क्यों होती। सत्य वचन, सत्य वचन, कितनी चीजें घर में भरी है देखो उसमें कितने का उपयोग है, एक पुराना डब्बा तक नहीं फेंकती है,
बूस्ट का डब्बा, बोनविटा का बॉटल, माल्टोवा का बॉटल दो दो के साथ करके रखेगी। पति भी कई बार बोलेगा इसकी क्या जरूरत है, फेंक, आपको क्या पता घर कैसे संभलता है। बहुत अच्छा संभल गया तेरा घर, ये पुरानी चीजें नकारात्मक ऊर्जा को खींचती है। कोई चीजों के देखो, मुर्दे को आप घर में रखते हो क्या? नहीं। क्यों नहीं रखोगे? बास निकलता है इन चीजों में, बास नहीं निकलता है लेकिन इनमें नकारात्मक तरंग निकलते हैं। न्यूज़पेपर भी कितने दिन तक थप्पी बना के रखी हुई है, ये न्यूज़पेपर जैसे जैसे अपने रंग खोते हैं। आपके पास ऐसे देखो, आप लोग ऐसे पेपर जमा के उसके ऊपर कपड़ा वगैरह लगाते हो ना, कपड़े रखने के लिए पहले नीचे न्यूज़पेपर लगाते हो, अगले साल ही वो बदलते हो ना, वो न्यूज़पेपर का रंग जैसे जैसे फीका पड़ता है, पीला पड़ता है, आप दरिद्रता को खींचते हो। उस बीड़ू में कभी पैसा नहीं आएगा क्योंकि उधर तरंग बदल गया है। क्या बदल गया है? तरंग बदल गया। हाँ, तो ध्यान रखना कि चीजें भी अपनी प्राण खोती है। क्या खोती है? प्राण खोती है। हाँ, पुराना साइकिल, अब घर में कोई साइकिल चलाने वाला ही नहीं, लेकिन देंगे नहीं। अरे महाराज, वो तो कबाड़ी वाला खाली 54 नहीं देगा, उसके लिए क्यों तू मेरे पास पड़ा रहे? वो कब फोगट कुछ भी नहीं दे, जा नदी में फेंक क्या, लेकिन तेरे घर को शुद्ध रखेगी तो ही समृद्धि आएगी, कचरे से समृद्धि नहीं आएगी। तेरा घर जितना शुद्ध होगा तू इतनी समृद्ध होगी। हाँ, उसके बगैर समृद्धि कैसे आएगी? द्रौपदी हंस रही है। क्या कर रही है? हंस रही है। भीष्म पितामह पूछते हैं कि तेरे पतियों ने हाथ जोड़ा के उपदेश दो, इसलिए दे रहा हूं, इसमें हंसने का क्या काम है बहू? वो कहती है कि आज तो सरसैया पर पड़े उपदेश दे रहे हो, उस दिन बड़ी सभा में अपमान हो रहा था तो आपका ये सदाचार और ज्ञान कहां गया था, जब दुष्ट लोग मेरा चीर हरण कर रहे थे, जब आपका दिमाग कहां गया था? बिल्कुल ठीक कह रहे हो बहू, बिल्कुल ठीक कह रही हो, उस दिन दिमाग खराब ही था, क्योंकि उस दिन मेरा खून दुर्योधन के अन्न से दूषित था। अब अर्जुन ने बाण छोड़ के पूरा खून निकाल दिया, रक्त बह गया, वो रक्त निकल गया जो दूषित था, अब मैं शुद्ध हो गया हूँ, इसलिए उपदेश देने भी लायक हो गया हूँ। ये प्रसंग दिखाता है कि दूषित भोजन हमारे स्वयं के पुण्य को, बुद्धि को, खून को, शरीर को, जिंदगी को, हमारी सफलता को भी दूषित कर देता है। क्या करता है? हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि कैसे धन कमाने की इच्छा रखते हो थोड़ा सोच लेना, कैसे भी पैसा आ जाए, बस मुझे पैसा आना चाहिए, आएगा बड़े धूम से आएगा। हवा आती है ना, खुशबू और आनंद ले आती है, तूफान आता है तो घर को उड़ा के ले जाता है। आप हवा चाहते हो कि तूफान चाहते हो, ध्यान रखना, अगर तूफान की बहुत तड़प खाओगे आपके घर के साथ आप भी उड़ोगे, ध्यान रखना। हाथ जोड़ के मैं ये निवेदन करता हूं कि कमाते कैसे हो इस पर पूरा ध्यान रखो, बहुत आ जाएगा पैसा, बहुत आएगा धन दौलत। बेटा गाड़ी लेके कहीं अलग ही जगह घूमता होगा, उसके हाथ में मरिजुआना, गांजा, ब्राउन शुगर सब होगा। पत्नी अलग आदमी के साथ घूमती होगी, वो आदमी को बोलेगी आपसे ही तसल्ली मिल रही है, मेरे पति के पास इतना पैसा है मुझे ध्यान नहीं दे पाता है, आपसे मुझे स्नेह मिलता है। क्या मिलता है? स्नेह मिलता है। तो पैसा कमाओ खूब, ईश्वर को बोलो कि ये पैसा विवेक और इंसानियत और ईमानदारी से आए ताकि हजम हो सके और खून निकलने के बाद हम शुद्ध न रहे, खून शरीर में दौड़े तभी भी शुद्ध ही रहे, बहुत जरूरी है। तो निकलने के बाद क्या शुद्ध रहोगे महाराज? वो तो निकल ही गया, वो तो भीष्म पितामह वरदान लेके आए थे इच्छा मृत्यु का, इसलिए उत्तरायण का इंतजार करते आप कौन से ऐसे वरदान लेके आ गए। खून दूषित है, देखो बुखार आता है, सिर दर्द आता है, हाथ पैर दुखता है, ये सब क्या कहता है? सिग्नल देता है। मैंने कहा ना कि प्रकृति कण कण में सिग्नल दे रहा है। क्या दे रहा है? सिग्नल दे रहा है। मैंने सुबह साधना कक्ष में एक बात बताई ना, आप लोग सुने, मैंने बोला कि आपको प्रकृति इतनी अच्छी सिग्नल देती है कि आपको कोई प्रकार के ज्योतिष के पास जाने की जरूरत नहीं है। काल गणना और ग्रहों की दशा को समझ के बोले वो ज्योतिष, लेकिन अंतर मन की चेतन भाव से आने वाली बातों को समझ लें, वो हर इंसान में ताकत ईश्वर ने दिया। आपको ऐसी शक्ति है क्या कि कल क्या होगी मालूम पड़ जाए? क्यों नहीं है? वो शक्ति आप में है।
लेकिन ये शक्ति क्यों नहीं दिखती? मैंने सुने उदाहरण टाइपराइटिंग मशीन का बताया ना, क्या बताया? कौन कौन टाइपराइटिंग मशीन को चलते देखे हैं आपके जीवन में? क्योंकि अभी वो रहा नहीं। आज के बच्चे, तू देख लिया बेटा टाइपराइटिंग मशीन? कंप्यूटर देखा होगा, टाइपराइटिंग कहां देखा? पापा के पास जो चलता आवाज आवाज करता है, पापा के पास है, बता रहा, कोर्ट में वगैरह स्टैम्प पेपर में लिखते थे। हाँ, तो बेटा 100 टाइपराइटिंग मशीन चले, समझो कितने? 100। तो कितना आवाज होगा? बहुत। उसके बीच में कोई कहीं जाए और जाके, साहब मेरी बात सुनिए, साहब मेरी बात सुनिए, साहब मेरी बात सुनिए, ऐसे कहें, तो उस आवाज में ये आवाज सुनाई देगा नहीं? तो संसार के चकाचौंध और स्वार्थ में चीजों को पकड़ने की आवाज में अंतरात्मा जो भविष्य में आने वाली दुख और सुख की जो आपको सिग्नल दे रही है, ये आवाज टाइपराइटिंग की आवाज में बोलने वाले की आवाज की तरफ दब चुकी है आपके पास, इसलिए नहीं मालूम पड़ता। इसलिए नहीं मालूम पड़ता कि अब मेरे जीवन में क्या होने वाला है, ये इसलिए नहीं मालूम पड़ता है कि आपकी अपनी आवाज दुनिया के चकाचौंध को पकड़ने की लालच के पीछे छुप गई है, दब गई है। क्या हो गया है? ऐसे ही दब गई। देखो आपको लिख के देता हूं, घर जाके एक छोटा सा नोटबुक लेना। क्या लेना? नोटबुक। एक नोटबुक लेके रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, 7 पेज में 7 बार लिख के रख लो। हर बार में क्या आपके साथ होता है, मेजर घटना, जो प्रमुख घटना, उसको लिखो। रविवार, आज अच्छा आनंद आया, घूम फिर के, ए रखना रे पीछे, आज मुझे बहुत आनंद आया, लिखो। सोमवार, आज मेरा धंधा अच्छा चला, ऑफिस में अच्छा गया दिन, लिखो। मंगलवार, आज मेरा सिर दुखा, पेट दुखा, लिखो। बुधवार, आज बच्चों का अच्छा प्रेम मिला, लिखो। गुरुवार, आज नए रिश्ते वाले आए, लिखो। आप 7 दिन लिखो, अगले हफ्ते वापस लिखोगे तो ये चमत्कारी घटना देखोगे, उन दिनों में जो लिखा उस दिन में वो वापस वही होता है। आप देखोगे तो मालूम पड़ेगा कि प्रकृति बराबर सिग्नल देती है, आप आज तक देखे नहीं हो वो सिग्नल। जो ग्रह कमजोर है उस दिन आपके साथ कोई ना कोई दुर्घटना, परेशानी, संकट या व्याधि होगी, उस दिन वो होके ही रहेगा। आपने कभी आज तक उम्र बिता दिया, एक वर्ष के 52 हफ्ते होते हैं, 52 हफ्ते के 365 दिन, आज तक हमने ये देखने की कोशिश नहीं की कि इस दिन में पिछले हफ्ते मेरे साथ क्या हुआ। अगर इतना सरलता से देखोगे तो उन उन दिनों में वही घटना होती है, प्रकृति कहती है कि इस ग्रह से जो तरंग आ रहे हैं फिलहाल कुछ दिन के लिए तेरे लिए वो सहाय नहीं कर रहे हैं, सहयोग नहीं कर रहे हैं, ये तेरे विपरीत काम कर रहे हैं, ध्यान रख। हम कभी इसको देखे क्या? हाँ, आप जब लिखोगे तो देखोगे कि शनिवार को अगर आपको कहीं चोट आ रही है तो अगले शनिवार कहीं मोच आएगा या कहीं ना कहीं आप अटकोगे, पड़ोगे, गिरोगे, कुछ लगेगा, कुछ होगा ही। जिस दिन वो होना बंद हुआ तो क्या महाराज? जिस दिन वो होना बंद हुआ तो समझना अब वो दशा बदल गई। जब तक वो निरंतर चलेगी, किसी ज्योतिष के पास जाने की जरूरत नहीं। जिन दिनों में कुछ खराब हो रहा है वो दिन सिग्नल दे रहा है कि तुझे इन दिनों में प्रभु भजन करना चाहिए। क्या कह रहा है? हाँ, मैं सदा कहता हूं कि जब सुख आता है तो समझो कि पुराना किया हुआ पुण्य काम करना शुरू कर दिया है। जब भी सुख आता है तो क्या समझना? किया हुआ पुण्य उदय में आ गया है। और जब भी दुख आता है तो क्या समझना महाराज? जब भी सुख आता है तो समझना कि किया हुआ पुण्य एक्टिव हो गया है। क्या हो गया है? एक्टिव। तो दुख आया तो नया पुण्य करने का समय आ गया है, ये सोचना। हाँ, मुझे नया पुण्य करने का अब समय आ गया है। वो चेता रहा है कि पुण्य नहीं है इसलिए दुखी हो रहा है, थोड़ा पुण्य कर। जब भी दुख आता है पुण्य करने का समय है, जब भी सुख आता है किए हुए पुण्य को भोगने का समय है। दोनों समझ लो तो कल्याण होगा। अद्भुत, अलौकिक। हाँ, यथार्थ, अद्भुत, अलौकिक। इसको समझ के ही जिंदगी चलेगी। आपके जीवन में हर चीज आप जान सकते हो। मैंने कहा कि रोज सुबह में 10 अनुलोम विलोम करो। कितना?
आप बोलोगे तो रामदेव बाबा का काम, योगियों का काम नहीं। जब भी प्राणायाम करते हो, श्वास के मंडल में ताजगी आने के बाद नसें शुद्ध होती है। क्या शुद्ध होता है? नसें शुद्ध होती है तो शिराएं शुद्ध होती है, शिराएं शुद्ध होती है तो रक्त शुद्ध होता है, रक्त शुद्ध होता है तो चक्र शुद्ध होते हैं, चक्र शुद्ध होता है तो आभा मंडल बदलता है, आभा मंडल बदलता है तो असफल जीवन सफलता की ओर जाने लगता है। प्राणायाम में इतनी ताकत है। कोई भी दरिद्र व्यक्ति हो, धन पाने के लिए धन के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं है। व्यवस्थित सादगी भरा भोजन, प्राणायाम, ध्यान आदि। अपन को क्या लगे प्राणायाम ध्यान, ये सब वो लोग जो 24 घंटा भजन भजन करते हैं, मंदिर मंदिर करते हैं, भगवान भगवान करते हैं, उनका काम है भाई। मेरा काम तो 5 मिनट धूप दीप करने का है। आप ऐसे सोचते हो या नहीं, आप ही बोलो। लेकिन प्राणायाम कोई भजनानंदियों का काम नहीं है। प्राणायाम से जिंदगी की सफलता असफलता निर्धारित होती है। आप जैसे विचारों को आप सोचते हो, उस समय जो श्वास को अंदर खींचते हो, वो विचार भी उस श्वास के साथ अंदर जाता है, जो नकारात्मक आभा मंडल को बनाता है। जब आप बाहर छोड़ते हो हवा, तब भी वो नकारात्मक ऊर्जा बाहर फैलती है। इसलिए 4 फुट तक आपके तरंग नकारात्मक या सकारात्मक होता है। आप कितना भी कोशिश करो, कई बार कुछ काम होते नहीं है ना। कुछ लोग कुछ प्रयास नहीं करें, घर बैठे काम कैसे हो जाते हैं, कैसे होते हैं? अगर आप में वो चुंबकीय आभा मंडल हो, मैग्नेटिक ऑरा, तो जो जो शुभ आप सोचोगे बिन बोले ही आएगा। और अशुभ आ रहा है, नेगेटिव है, तो फिर आप लाख माता फोड़ो। आप दक्षिण में जाओगे तो उत्तर दिशा पीछे से आपको खींचेगी, आप जा नहीं पाओगे। आप अच्छा कर्म करने जाओ तो झगड़ा होगा, बदनामी होगी। कब होगा? जब तक आप नकारात्मक रहते हो। इसलिए निरंतर सुबह उठ के प्राणायाम करने की कोशिश करो, और ये ठान के करो कि मेरे सफलता में ये भी एक अंग है। क्या है इसमें? ये भी एक अंग है। देखो, आपको एक बात बताऊं, आप सुन के आश्चर्य पड़ोगे। आपकी सफलता में 4-5 चीजें बहुत जरूरी है शरीर में। क्या क्या बताऊं? मेहनत, मेहनत, पढ़ाई, एंडोर्फिन्स। अगर आपके अंदर एंडोर्फिन्स बराबर है, मैंने कल बताया ना, ऊपर कौन थे कल, तिब्बत के साधु के बारे में मैं जो बताया कि तिब्बत में एक नया बुद्ध भिक्षु संन्यास लिया। तिब्बत कोई गए हैं क्या? उधर जाओ तो आप देखेंगे कि मठ सब पर्वत पर है, बुद्ध मठ। तो नीचे से बैटरी कार में जाते हैं वो बुद्ध भिक्षु। बैटरी कार का नियम है कि उसका सीलिंग छोटा होता है, ऑटो स्कॉर्पियो इनोवा जितना बड़ा नहीं होता। बैटरी कार इतना ही होता जितना आप बैठ सको, सीधा सिर पर ही उसका सीलिंग आ जाता है। ये बैठा ना तो पहाड़ में जाते समय जोर जोर से सिर टकराए उस गाड़ी में, सिर इतना जोर से फूटे कि भयंकर दर्द से वो परेशान हो गया, आंख में पानी आ गई। साथ में बैठे हुए सभी भिक्षु हंस रहे हैं जोर जोर से। क्या कर रहे हैं? अभी कूद रहे ये गाड़ी तो उनकी भी सिर फटी होगी, फूटी होगी, लगी होगी कि नहीं जी। और जब भी ऐसे लगे वो जोर जोर से हंसते हैं। इसको लगा कि ये मूर्खों के साथ कितने दिन गाड़ी चलाएंगे हम भाई महाराज। जब ये लग रही है, इतनी दर्द हो रही है, तो रोना चाहिए कि हंसना चाहिए? बोला रोना चाहिए। आप क्या करोगे? रोना होगे ना, तो हंसने वाले पागल लगेंगे कि नहीं आप? तो जैसे ऊपर पहुंचा, गुरु को हाथ जोड़ के बोला मुझे जाने की आज्ञा दो, गुरु मुझे कहीं ले जाएगा? क्या बात है, ये पागलों की टोली है। क्या है? पागलों की टोली है, हंसते हैं ये लगे तो। इन पागलों से ज्यादा दिन नहीं चला सकता, मुझे जाना है। जब सिर पर लगे तो दुनिया रोती है, ये हंसते हैं। आपको भी नंगों के देश में कोई लंगोट पहन के आ जाए तो पागल लगता है। पागल आप हो जो नंगे हो। अपने व्यवहार बदलने की कोशिश करो। गुरु महाराज ने कहा बेटा वो हंस रहे हैं तो पागल नहीं है। बौद्ध शास्त्रों में बहुत अच्छे से बताया है कि जब भी जोर से लगता है, आपके पास लगाने के लिए कोई मलम दवाई नहीं हो और पेन ज्यादा हो, तो जब आप हंसते हो तो ये मुंह के पास रहे हुए नस खुलते हैं, तो एंडोर्फिन उस समय में प्रकट होते हैं, जो पेन किलर का काम करता है, आभा मंडल को बदलता है।
जब भी दुखी होते हो, जब भी कुछ चोट लगता है, हंसना शुरू करो। बड़ा आपको पागलपना लगेगा, लेकिन आपको दिखेगा कि उस समय औरा मंडल बदलने से जिस कारण से हम रो रहे थे, वो कारण जीवन में वापस कभी नहीं आता, वो कारण ही आना खत्म हो जाता है। सत्य वचन। हाँ, अब बोलो आपको पागल कौन है? ये नया भिक्षु के वो पुराने भिक्षु कौन है पागल? नया भिक्षु। आप वो नए भिक्षु में हो, आपको लगे कि कुछ लगे तो मुझे रोना चाहिए, और कोई आए तो दिल भर के रो के दिखाना चाहिए। कोई भी आते हैं ना, उनको बहने तो और ज़्यादा, कोई आ गई हो तो उसके उसके पास अपनी कहानी ऐसे खोलेगी, कोई टीवी सीरियल का डायरेक्टर इनको मिल जाए तो 400 एपिसोड निकाल सकता है उस कहानी से, ऐसे उस कहानी को लंबी चौड़ी करके बताएगी। लेकिन तू दूसरों को कहानी बताने से थोड़ी तेरी जिंदगी का दुख मिटेगा। हाँ, मैंने कहा एंडोर्फिन हंसने से मात्र ही क्रिएट होता है। किससे? हंसने से। उसके अलावा सब, मेरे को बोलने की अनुमति नहीं है संत होने से, क्योंकि मैं घास पर चलने की अनुमति नहीं देता, लेकिन घास पर चलें तो भी पैर के चक्रों में एंडोर्फिन अच्छे से क्रिएट हो जाते हैं। बूस्ट पीने से भी क्रिएट होते हैं। आज साइंस ने ये साबित कर दिया कि बूस्ट जो आप चाय काफ़ी पीते हो, मैं नहीं बोलता कि आप कुछ मत पियो, लेकिन इतना संकल्प करो कि हम कुछ पीते हैं तो ऐसे तो हम हैं नहीं कि भगवान की तरह हम साथ की जीवन जिए, मनुष्य हैं, कम से कम मनुष्य की तरह जी सकते हो। ऐसा नशा है, इन औरतों को कहता हूँ कि शुक्रवार के दिन व्रत कर, चाय बगैर नहीं रह सकती महाराज। ये शराब से ही नशा नहीं होता, तंबाकू गुटके से ही नशा नहीं होता। जिसके बगैर तू नहीं रह सकती, वो हर चीज नशा ही है। वो कोई भी चीज हो, जिसके बगैर तू नहीं रह सकती, वो एक नशा है। हॉर्लिक्स पियो, बोनविटा पियो, माल्टोवा पियो, बूस्ट पियो, नशे में नहीं डालेगा, क्योंकि उसमें कैफीन नहीं है। जिन चीजों में कैफीन होगा वो आपको नशे में घेरेगा, उसके बगैर आप नहीं रह सकते। और आप चाय दूध तक नहीं छोड़ सकते, ये छोटा सा त्याग नहीं कर सकते हो, तो पर्वत चढ़ के सोने को कैसे पकड़ोगे जब तक आप एक छोटा त्याग तक नहीं कर सकते। पाएगा वही जो खोने के लिए तैयार होता है।